ऐसा लगता है कि कलयुग अपने चरम पर है और पाप का घड़ा भरने ही वाला है। पैसे और पावर की भूख ने इंसान को इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि वो एक जिंदा इंसान को दफनाने में भी नहीं हिचकिचाता। इंसान और राक्षस में सिर्फ सोच का फर्क होता है। राक्षस को भी यही लगता है कि वो जो कर रहा है एकदम सही है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तब का है जब मैं बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव में पोस्टेड था। पुलिस वाला होने के बावजूद इस केस ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि इस केस में तीन तीन जुर्म हुए थे और हर पहले जुर्म से दूसरे का सच ज़्यादा भयानक था। अरे का दिखा रहे मिश्रा जी, कुछ अच्छा दिखाइए ना। अरे इम्पोर्टेड क्वालिटी है सब। हाँ, अरे ये देखो, ये वाला अच्छा है, रंग भी पसंद है, दे दीजिए ना इसको। मिश्रा जी बहुत बढ़िया है, इसको हमारे लिए पैक कर दीजिए। तू हमारा पसंद है, नजर गड़ाने का आदत तुम्हारा गया नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है तुमको ना हमारा झूठा खाना। काकुल यादव जबान संभाल के बात करो, समझी। अच्छा कपड़ा पहनने से कोनो अच्छा नहीं लगता। ये बंदरिया जैसी सकल ली हो ना, ये पहन लोगी तो कुछ अच्छी नहीं लगने लग जाओगी। बंदरिया ही लगोगी, बंदरिया। हम बंदरिया हैं? अपना आईना कभी देखी हो? हाँ, बकरी जैसा तुम्हारा मुंह है। और चुपचाप यहाँ से खसक जाओ, छोटा पकड़ पकड़ के जो कूटेंगे ना हम यहाँ, समझ जाना भी तुम। तो हम यहाँ देखने आए कि अभी तुम्हारे साथ तुम्हारी मेमनिया बहन को भी ना काट डालेंगे, समझी। दीदी दीदी, एक कपड़वा के लिए इतना बवाल काहे कर रही हैं? चलिए घर चलते हैं, बाद में लेंगे कपड़ा। चलिए चुप रहो तुम। चलो कहाँ, अभी तो खेला शुरू हुआ है। दीदी इन यादव की बहन लोगों को ना छोड़ना मत, कचर कचर के इनका हिसाब लेना। चलो दो थप्पड़ इसको मार ना, तो ये ठीक हो जाए। हमको मनुष्य बोलती है? हमको मनुष्य बोलती है? हमको मनुष्य बोलती है? हमको छोड़ दिया? हाँ, तू आज कहाँ चली? तू कहाँ समझती तो? मैं तू अपने बुखार से मरती हूँ। कहाँ समझती है? मैं तू को आज हम मार के रहेंगे। कहाँ तू छोड़े? नहीं, हम तुझको तो आज छुड़ाएंगे। नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तुमको तुम कहाँ समझती? तुमको हम जिंदा छोड़ रहे हैं। अरे काट के रख, हमारे तुम्हें खत्म करके ही लाएंगे। बहुत तमाशा देख लिए काकू तुम्हारा, हमारा भी हम देख लिया। अरे तुझको तो हम मार देंगे काकू। बंदरिया की शक्ल तो हम भी करेंगे। शांत हो जाओ, ऐसा ही एक दूसरा जोड़ी मंगवा देंगे आप लोग, बस शांत हो जाइए। फ्रेंड मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं हम? इस चिल्लर का हम सेम टू सेम सूट पहनेंगे। करेंगा के यादव और सिंह परिवार के बीच ये दुश्मनी, ये नफरत आज की नहीं थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी। आज तो चंपा और काकुल बस इसे जिंदा रखे हुए हैं। दोनों ही दबंग और गुस्सैल थी, इसीलिए उनके झगड़े का कोई पहला किस्सा नहीं था। इससे पहले और इसके बाद भी कई झगड़े हुए और अब ये दुश्मनी और भी गंदगी पर उतरने वाली थी। साली काकुल सरपंच के लिए फॉर्म भरी है। हम चाहते थे कि पिताजी के बाद तुमको सरपंच के लिए खड़ा करेंगे, पर हमको पता है कि उस साली काकुल तुमको कहीं टिकने नहीं देगी। यही मारे अम्मा हम सोच रहे हैं कि इस बार इलेक्शन के लिए हम खड़ा होंगे, उसका सारा जमानत हम जब्त करा लेंगे। ऐसी हार हरवाएंगे ना तुमको कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी काकुल तुम। बचपने में बिस्तर पे मूतते थे, समझ में आई? बड़े पजामे में काहे मूत रहे हो? देखो दीदी, हमारा दिमाग पहले से बहुत खराब, ज्यादा बकैती करके ना और ज्यादा चपट मत करो। अरे बस, घर ही में शेर बने रहना, बाहर तो तुमसे मच्छर भी नहीं मारा जाता। का हुआ ये सब बताओ, कैसे हुआ है? अरे रास्ते में काकोलिया मिल गई थी। चल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये अगर खोपड़ी में उतार दे तुम्हारा। अरे रे 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 रे, ये तो कांप रहा है। कहाँ गया तुम्हारा मर्दानगी? हाँ आ साला, ये तो पॉइंट में
चिराग पेंटवे में हमारे सामने मुंह दिया। देखो देखो, ये है रवि बाबू और ये बह रही है उनके मुंह के साथ उनकी मर्दानगी। और ये हमें काकुल यादव। एक और मर्ज को हमारी तरफ से ना मर्द कहीं का। तू काकुल है, तुमको डांटी और तुम पैजामे में मुंह दिए। अबे सिंह परिवार का मर्द हो। अरे हम क्या करते दीदी, उसके हाथ में तमंचा था। उसके हाथ में तमंचा था तो ई लो तमंचा, और जहाँ कहीं भी उका को लिए दिखे ना, कनपटी पे लगा देना गोली। बहुत सही किया बिटिया, बहुत सही किया। हमको लाश है तुम्हारी दबंगई पे। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमेशा की तरह सरपंच का इलेक्शन यादव परिवार से ही जीतेगा, तू होगी। अरे बाबू जी, आपका आशीर्वाद रहा ना तो इस पर पक्का बनेंगे। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा, पर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कोई नॉमिनेशन फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना। वही भर के तो वापस आ रहे थे कि देखे रवि इसको छेड़ रहा है। देखिए ना, पॉइंट वे में मुतवा दिए उसको, देखिए। दीदी, हमको अभी भी लगता है कि आपको रवि को इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अरे थोड़ा सा वार्निंग देके छोड़ देती, सब वहीं खत्म हो जाता। अब पता नहीं वो चंपा बदला लेने के लिए क्या क्या करेगी। तुम पगला गई हो का? वो चंपा कुछ करेगी और हम यहाँ घर में मुंह पे टेप साट के बैठे रहेंगे। दीदी हम ये नहीं करते। चुपचाप पढ़ो। अरे गीता, काहे डरती हो? हमने बहन को देख इससे कुछ सीख। तेरा यही हाल रहा ना तो चंपा सिंह और उसके परिवार का सामना अकेले काकुल को ही करना पड़ेगा। रवि, तमंचा चलाने के लिए ट्रेनिंग की नहीं जिगर का जरूरत है। दुश्मन सामने हो ना, लगा दो कनपटी पे, बाकी जो होगा देखा जाएगा ना। और रही बात उस काकुल की, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, जिंदा गौड़ के रख देंगे तुमको काकुल हम। किसे बनाए? आज हम बहुत खुश थे बाबूजी, इसलिए बनाए हैं। नहीं तो रोज तो गीता के हाथ का फीका खाना ही खाना पड़ता है आपको। लीजिए। अब इतनी रात को कौन आ गया? ए डरपोक, दरवाजा इधर है, जाके खोल। नहीं दीदी, हम नहीं खोलेंगे। हमको पक्का पता है चंपा है, अपने भाई का बदला लेने आई है। हम नहीं खोलेंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, जाके खोल। बाबू जी बोलो ना दीदी को, हम नहीं। जा। ये लीजिए। कौन है? कौन? कौन? अगर तुमने 10 फॉर्म भरे और उनमें से किसी में कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, गीता पढ़ा करो, उसमें साफ लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारी बात सुनिए, आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते, हमारी बात सुन नहीं करते हैं। शांत, क्या हुआ, क्या कंप्लेन है आपकी? हमारी बहन गीता पर एसिड फेंका गया है, उसका पूरा चेहरा ना एकदम जल के लाल हो गया है। हमको पता ही चंपा करवाई, अगर आप कुछ करते हैं ना तो ठीक है, तो उसको तो हम जान से मार ही देंगे। देखिए देखिए, शांत रहिए और तमीज में भी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं है। आप ना हमको जानते नहीं है, इसलिए अपना तो ज्ञान दे रहे हैं ना, देना बंद कीजिए। अरे चुप रहिए विजय, आप शांत हो जाइए, बैठिए और पानी पीजिए। हमको कोई पानी वानी नहीं पीना है। लीजिए, हम बैठ गए, बोलिए। तो तुमने कहा है कि चंपा ने तुम्हारी बहन पर एसिड अटैक करवाया है, उसकी क्या दुश्मनी है तुम्हारी बहन से या तुमसे?
साहब, ये यादव और सिंह परिवार की पीढ़ियों से चलती आ रही दुश्मनी है। शुरू से ही गांव के सरपंच या तो ई कंकुआ के परिवार से बनते हैं और या फिर वो चंपा के परिवार से, बस इसी बात को लेकर झगड़ा रहता है। काकी, ये भी तो बताओ ना, सिंह परिवार का एक भी सरपंच आज तक गांव वालों के लिए कुछ नहीं किया, सारा पैसा अपना पॉकेट में रख के निकल लिया। अच्छा, तो सिंहासन का झगड़ा है। देखो, ये झगड़ा ना रामायण और महाभारत काल से चला आ रहा है। सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर अमल कोई नहीं करता। तो तुम्हारी दुश्मनी उस चंपा से नहीं, उसके परिवार से है। कही बात है इंस्पेक्टर साहब। और इसीलिए उसने तुम्हारी बहन पे एसिड अटैक करवाया। इसीलिए नहीं, उसका जो निकम्मा भाई है ना रवि, हमारी बहन गीता के साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या कर रहे हो? जल्दी, तुम्हें को नहीं पता क्या कर रहा? हम चिल्लाएंगे, सबको बुला लेंगे। छोड़ो हमको। चिल्लाओ चिल्लाओ, हमको तो और मजा आएगा। ए रुक साला, मर्द का हाथ है बेबी, कोहे के लिए इतना प्रोटेक्ट कर रही है? हमारी बहन पे हाथ डालेगा तू, मजाक नहीं दिखाएगा? रुक तू, रुक रुक। हम धर लिए, खूब सबक सिखाया सबके सामने। ये जो खड़े हैं ना, इनको सहेट के दो चाटा मारो, और जितना चाटा मारोगे ना उतना पैसा देंगे। चलो, अरे रे रे रे, खक्का मारते इसे सहेट के मारो ना एकदम। चलो, ये तो तुम्हारा झगड़ा चंपा से नहीं, उसके भाई से हुआ। झगड़ा पूरा सिंह परिवार से है, और आज से नहीं है, कब से है। और चंपा से ना हमारा झगड़ा एक बार नहीं हुआ है, हजार बार हुआ है। और पहली बार उससे हमारा झगड़ा 6 महीना पहले हुआ था, जब हम बाबूजी से मिलने जेल गए थे। वो भी वहां आई थी किसी से मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी, पीछे हटो, यहाँ टप्पा लगाओ, ये लो। ए, बाबूजी का ब्याह हुआ है का? हाँ, पीछे जाने तक कंटाप के पीछे खींच के दो। अबे, तुम तो खालती बोलती रहती हो, हम तुमको देंगे, ये लो, समझी? इसको बोलते हैं कंटाप। तुमको मारी, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, हमको मारी, छोड़ेंगे नहीं। और उस दिन जो लड़ाई शुरू हुआ ना, आज तक खत्म नहीं हुआ है वो। और कितनी बार तो जबरदस्ती झूठ मूठ कर लड़ी हो हमसे, हम कोई कम थोड़ी है। ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया उसको, जो कुछ भी किया ना आज तक एकदम सीना ठोक के सामने से किए, उसकी तरह नहीं रात के अंधेरे में ऐसी ठगवाई। गीता कहाँ है? बेटा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, एक बात बताओ, जिसने तुम पर एसिड फेंका तुमने देखा था उसे? तू रोना शुरू मत कर, हाँ, सब सच सच बता। वो जब हम दरवाजा खोलने गए तो बाहर कोई नहीं था, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। जब हम बाहर गए तो भाग गए सबके सब साले। अगर पकड़े जाते ना तो उनको जिंदा नहीं जलाया होता, तो काकुल हमारा नाम नहीं, और छोड़ने वाले तो हम उसको ऐसे भी नहीं है। चुप हो जा तू। इस समय गीता को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और कानून अपने हाथ में ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप खुद मुसीबत में आ सकती हैं। और रही बात चंपा की, तो उसे हम बात करेंगे, समझी? सर, अभी चंपा के घर चलना है क्या? विजय, अभी तो लेट हो गया है, वैसे भी 8 बजे के बाद किसी महिला से तो पूछताछ कर नहीं सकते, कल सुबह बात करते हैं। सर, सर गीता की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक गीता पर एसिड फेंका गया था। एसिड कहां से आया था और किसने फेंका था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और सर, काकुल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए थे क्योंकि उसने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। और ये चंपा और काकुल एक दूसरे से इतनी नफरत करती हैं, ऐसा लगता है कि पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगी। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे बात क्या करें भाई।
सभी कुछ तो साफ साफ दिख रहा है ना कि गांव का चुनाव नजदीक है और गांव के लोगों का सुहानुभूति पाने के लिए वो ककुलिया खुद अपनी बहनी अब तेजाब फितवाई है और इल्जाम हम पे लगा दी है ताकि गांव के लोगों का वोट उसको मिले हमको नहीं। सर वो कुछ भी बकैती काटी और आप आगे मुंह उठा के हमसे बात करने के लिए गजब है। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछने। आप हमसे कुछ सवाल नहीं बहुत सवाल पूछिए, लेकिन पहले एक महिला पुलिसकर्मी आप अपने साथ लेकर आइए। कहे कि बिना महिला पुलिसकर्मी के हम आपके कौने सवाल का जवाब नहीं देंगे, जान लीजिए। अब इतना तो कानून हम भी जानते हैं ना, सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थाने से महिला कांस्टेबल बुलाओ। जी सर। सर महिला कांस्टेबल आ गई है। हाँ तो चंपा जी। एक मिनट सर। रवि जरा हमारी पूछताछ का वीडियो बनाओ ना, अब इनका कौनो भरोसा, हमारे बयान को कुछ तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर देंगे, हमारी तो लंका लग जाएगी है ना। आओ। हाँ दीदी रुको, ये पकड़ो अम्मा। तो हो गई तैयारी? जी दरोगा जी। सवाल पूछे? हाँ हाँ पूछे पूछे। जब गीता पर एसिड फेंका गया तो आप कहाँ थी? हम अपने घर में थे, खाना खा रहे थे, हमारी अम्मा और भैया से पूछ लीजिए। गीता पर एसिड किसने फेंका? हमको कैसे पता होगा किसने काहे क्यों एसिड फेंका, गजब बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता लेकिन आपको कोई अंदाजा है? नहीं, हो सकता है कि काकुल और गीता से किसी का झगड़ा हुआ हो या फिर गीता के साथ किसी ने बदतमीजी की हो और बदला लेने के लिए एसिड फेंक दिया गया। देखिए सर घुमा फिरा के बात करना हमको आता नहीं, अगर हमरे खिलाफ कोनो सबूत है ना तो उसको पेश करिए। अब ऐसा तो नहीं है कि काकुल कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे, वो कहेगी हम अपराधी हैं तो हम अपराधी हैं और आप चले आएंगे उसकी बात सुन के हमको हकड़ी लगाने आ गए हमको। देखिए आप सर से तमीज से बात कीजिए वरना। वरना क्या, जबरदस्ती कबूल करवाओगे हैं? हम जानते थे तुम लोग ऐसा ही करोगे, यही मारे हम वीडियो निकलवा रहे हैं। देखो ऐसा है, तुम लोग से निपटना तुमको बहुत अच्छे से आता है और रही बात उस काकुल की, उसको तो हम देख लेंगे। सर हमको तो लगा था ये काकुल बदतमीज है, पर ये चंपा तो उससे दो कदम आगे ही निकली। सब पावर का नशा है, वो भी उस पावर का जो इन्हें मिली नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इसने कुछ किया ही ना हो इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट है। खैर जो भी है सच्चाई तो पता लगानी ही पड़ेगी ना। काम करो अपने सारे खबरियों का अलर्ट करो और इस चंपा के सारे कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फोकस इन दोनों लड़कियों पर है जबकि इन दोनों की दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा ही उठा रहा हो? मतलब सरपंच का कोई तीसरा उम्मीदवार? पॉसिबल तो है। चेक करो कोई ऐसा एंगल है क्या। यस सर। और सर चंपा के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर 6 महीने पहले चंपा ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ में रेप हुआ है। रेप एक्यूज्ड का नाम संजय झा है और सर संजय झा भी जेल के अंदर है और उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। और सर ये संजय झा कोई और नहीं बल्कि काकुल का बॉयफ्रेंड है। हर बार आपको वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इस बार हम वीडियो बनाएंगे। विजय सर आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, दो गवाह भी चाहिए ना, इसलिए। अरे हाँ आपको कुछ और भी चाहिए होता है ना, लेडी कांस्टेबल। मैडम आप भी आइए फ्रेम में। विजय सब है ना फ्रेम में? हाँ सर सबके सब फ्रेम में है। सब ठीक है तो अब बताइए संजय झा का क्या मामला है? मामला तो ये है सर कि जितनी कमीनी ये काकुल है ना, इससे दर कमीना और लिचड़ इंसान इसका यार है।
हमको बोला कि हमारे और काकुल के घर की दुश्मनी को खत्म करवाना चाहता है। काकुल को समझौते के लिए मना लिया है और हमको समझौते के लिए लेने आया है। अब यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, उसके बाद वो हमको एक उजाड़ खाने में ले गया। अभी तुम तो हमको बोले कि हमको काकुल बुलाई है, पर यहाँ तो कौनो है नहीं। हम कह रहे हैं संजय छोड़ दो। संजय तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा लिए हो। मार डाले जाओगे और मार के घर डाले जाओगे, समझे? वहां ले जाकर उसने हमारे संग जोर जबरदस्ती की और हमको छोड़कर भाग गया। उसको ये लगा कि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम घर जाके रोएंगे, टूट जाएंगे और पुलिस के पास जाने के लिए तो हम सोचेंगे भी नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पुलिस के पास जाने का तय किया। और आपको मालूम है जिस दिन हम रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे ना, उस दिन हमको धमकी भी आई थी, पर हम डरे वरे नहीं, सीधा वो अंदर। दोषी साबित हुआ है वो, अगले महीने उसकी पेशी। ये संजय कौन सी जेल में? पटना जी। अरे साहब आप जानते नहीं हो चंपा को, बहुत ही घात चीज है वो, झूठा आरोप लगा के हमको अंदर करवाई है साहब। मतलब तुम वहाँ चंपा को काकुल से मिलाने नहीं लेके गए थे? वहाँ क्या साहब, हम उसको कभी कहीं नहीं लेके गए। उस घर में भी उसी ने हमको बुलाया था कि वो काकुल के साथ समझौता करना चाहती है, पर उसकी एक शर्त थी। वो शर्त बताने के लिए हमको वहाँ बुलाई थी साहब, कि हम काकुल को मना सके। लेकिन साहब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा चंपा, हम यहाँ हैं जी। ये दरवाजा कहीं को बंद कर रही? एकदम बुड़बक हो तुम, ये सब काम तो दरवाजा खोल के करता है का? क्या बक रही हो? अब तुम जबरदस्ती करोगे और वो दरवाजा बंद करके? अभी चलिए ना, चलिए। अब काकुल को पता चलेगा कि तुम हमारे साथ रेप किए हो, तब वो चलेगी, टूटेगी, मर जाएगी वो, और यही हम चाहते हैं, समझे? ठीक भी कर रही हो चंपा तुम? ऐसे तैसे हम जान बचा के वहाँ निकले। हमने हजार बार सबसे गिड़गिड़ाया कि हम निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी एक न सुनी और हमें अंदर कर दी। हम बता रहे साहब वो बहुत चला के, उसने बहुत गहरी चाल चली हमारे खिलाफ। लेकिन चंपा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो काकुल का जीवन नरक बनाना चाहती थी साहब। हम दोनों शादी करने वाले थे, हम बहुत खुश थे साहब, लेकिन एक खुशी उसको देखी नहीं गई और उसने हमको फंसा दी साहब। सर, सर चंपा रेप केस की फाइल। सर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चंपा के साथ में रेप तो हुआ था, लेकिन स्मिन ट्रेसेस नहीं मिल पाए जिससे ये साबित हो सके कि उसके साथ में रेप संजय झा ने किया हो। हो सकता है उसने बहुत ही चालाकी के साथ किया हो कि सबूत ही ना मिले, कंडोम वगैरह पहना होगा। सर अरेस्ट किस बेस पे किया गया था? सर बाकी एविडेंस के बेस पे, मोबाइल लोकेशन और आसपास के लोगों के बयान पर जिन्होंने उस वक्त उसको वहां पर देखा था। मामला भी कोर्ट में कुछ कह नहीं सकते हैं, वैसे लोग दुश्मनी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हाँ दुश्मनी से याद आया, तुम्हारे थर्ड पार्टी अंगल का क्या हुआ? सर मैंने तहसील ऑफिस में जाकर पता किया था, चंपा और काकुल के अलावा सरपंच के लिए किसी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर तीसरा कौन हो सकता है? एक बात और सर, उस दिन काकुल ने हमसे झूठ बोला था, उसने कहा था कि वो पटना जेल में अपने पिता से मिलने के लिए गई है। और पहली बार उससे हमारा झगड़ा 6 महीना पहले हुआ था, जब हम बाबूजी से मिलने जेल गए थे, जबकि उसके पिता तो 1 महीने पहले ही रिहा हो चुके थे। तो फिर किससे मिलने गई थी? संजय झा से। और जब मैंने उससे पूछा कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला, तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई कि बोल दिया, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। और फिर मुझसे ही पूछने लगी कि आपने अब तक चंपा को अरेस्ट क्यों नहीं किया है। कुछ ज्यादा ही जानकारी और अकड़ है इन लोगों में। आज सबूत नहीं है हमारे पास, वरना अकड़ तो ढीली कर देते इनकी। हेलो, बहुत बढ़िया, लेकर आओ उसको। सर
लगता है सबूत मिल गया हमको। ए, चलो साहब आ गए। सर, ये मनोज महतो है। हमारे खबरी ने इसको शराब के ठेके पे बोलते हुए सुना था कि एसिड अटैक से बदला लेना बहुत आसान होता है, जिंदगी भर तक याद रखता है। हमारे खबरी ने हमको इन्फॉर्म किया और हमारी टीम इसको वहां से उठाकर ले आई। किससे बदला लेना था? साहब, हमने किसी से बदला नहीं लिया और ना ही हमको लेना है। तो फिर वो ठेके पर वो एसिड अटैक का क्या रागल आप रहा था तू? साहब, वो तो ऐसे ही तीन चार लोग बैठे थे तो उनके बीच में कॉलर टाइट करने के लिए बोल दिए साहब, ऐसी में कुछ किए नहीं है। गीता पे एसिड अटैक क्यों किया था? कौन गीता साहब? इसका नशा ऐसे नहीं उतरेगा, अपने तरीके से को बुलवाओ। सब याद आ गया। साहब 10,000 रुपया मिला था हमको। ऑफर किसने दिया था? चंपा सिंह ने साहब। तो ये चंपा ने गीता पे अटैक क्यों करवाया? वो साहब हमको नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ पैसा के लिए काम किए हैं। हम तो काकुल पे एसिड फेंकने गए थे लेकिन गीता बाहर आ गई और रात के अंधेरे में समझ में नहीं आया तो उसी भी फेंक के भाग गए। 7 बजे गए थे ना? नहीं साहब, 9 बजे। तेरे साथ और कौन था? कोई नहीं था साहब, हम अकेले थे। और एसिड किसने दिया था? चंपा ने? नहीं साहब, हम खुद जुगाड़ किए थे। कैसे? साहब, हम बिलालपुर के हैं ना, वहीं एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहीं से थोड़ा सा चुरा लिए थे। अच्छा। कमला, तुम घर का काम संभालो, हम पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। अरे रवि बेटा, जल्दी आओ, गाड़ी निकालो। हाँ माँ, बस गाड़ी बांध रहे हैं। चलो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम अभी आपके पास ही आ रहे थे। इसलिए? चंपा कल से घर नहीं लौटी है, किसी का फोन आया था, बोल रही थी हम आते हैं और अभी तक नहीं आई है। किसका फोन आया था? पता नहीं किसका आया था, हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। जाओ पूरे घर की तलाशी लो। सर, अरे सर, तलाशी? सर कुछ नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए ना। कैसे यकीन करें, क्या पता फोन का बहाना बना रहे हो आप लोग और घर में छुपा के रखा उसको। भेजा चंपा को फोन लगाओ। सर, अरे सर, फोन स्विच ऑफ है, हम लोग कितना बार ट्राई किए, सुबह से ट्राई कर रहे हैं। सर, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, हम बोले थे ना सर आपको। सर, पूरा घर ढूंढ लिया पर चंपा कहीं नहीं मिली। सर, कहा था ना आपसे हमने। आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो कि चंपा कहाँ है वरना उसके साथ साथ तुम दोनों भी अंदर जाओगे। सर, हम तो तब बता पाएंगे ना जब हमको खुद पता होगा। साहब, हम सच कह रहे हैं, चंपा घर पर नहीं है, वो कल से घर लौटी ही नहीं है। हमें लग रहा था कि चंपा को किसी तरह से पता चल गया है कि उसने जिसे एसिड अटैक की सुपारी दी है वो हमारी गिरफ्त में है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, इसलिए वो फरार हो गई। उसे पकड़ने के लिए हमने पूरे स्टेट में उसके फोटो सर्कुलेट करवाए, अर्जेंट बेसिस पे उसकी CDR रिपोर्ट निकलवाई, हर वो काम किया जिससे जल्द से जल्द हम उस तक पहुंच सके। हम उस तक पहुंचे भी लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि हम कोशिश कर रहे थे। तो चंपा सिंह है सर, इसके तो पेट पर गोली मारी गई है और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई है। ये घाव देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कट्टे से गोली मारी गई है, क्योंकि रूरल में लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं। विजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के लोगों से पता करो कि किसी ने कुछ देखा है क्या। और हाँ, वो जो कट्टा सप्लायर है उसका भी पता करो कि उसने कट्टा किसको बेचा था। सर, दो परिवारों के बीच की लड़ाई एसिड अटैक से शुरू होकर अब मर्डर तक पहुंच गई थी। चंपा के सीने में गोली मारी गई थी लेकिन उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, इसका मतलब उसे जिंदा दफनाया गया था। चंपा का मोबाइल और उसका रिवॉल्वर दोनों ही हमें नहीं मिले। सर, चंपा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक चंपा का फोन शाम को 7 बजे स्विच ऑफ हो गया था। सर, स्विच ऑफ होने के आधे घंटे पहले चंपा को एक नंबर से फोन आया था
जिसके बारे में जमुना हमको बता रही थी। किसी का फोन आया था, बोल रही थी हम आते हैं और अभी तक नहीं आई है। और सर वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि काकुल का है। सर चंपा को आखिरी बार फोन काकुल के फोन से आया था। लेकिन ये काकुल चंपा को फोन क्यों करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं इस काकुल का ही चंपा के मर्डर में कोई हाथ हो? उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को फोन किया, वो भी उसके मर्डर से आधे घंटे पहले। अरे काहे टेस्वे बाहर रही हो? हम नहीं मारे उसको, अपनी बहन पे भरोसा नहीं तुमको? देखिए पगला गई, एकदम पगला। इसको लगता है कि चंपा को हम मारे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमें भी ऐसा ही लगता है। चलो थाने में चलकर विस्तार से बात करते हैं। चंपा के मर्डर से आधा घंटा पहले तुमने उसे कॉल किया था, उसके बाद वो अपने घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी, ऐसा क्यों? वापस आने का हमको नहीं मालूम। कॉल हम किए थे कि दुश्मनी खत्म करते हैं, वो भी मान गई थी, बोले मिलकर बात करते हैं, इसलिए पानी टंकी के पास बुलाए थे। फिर मुलाकात हुई? बात अकेले आने का हुआ था। हम पहुंच गए थे, 8 बजे तक इंतजार किए, आई नहीं, फोन भी किए, फोन ऑफ था। सोचे महारानी का मूड बदल गया होगा, तो हम भी वापस अस्पताल चले गए, गीता के पास, अपने घर वापस आ गए हम। सुबह पता चला कि कोई उसको मार के ना गाड़ दिया है। इतना दुख हो रहा है ना हमको, एकदम बदला लेने का जो मन था ना एकदम पूरा नहीं हो पाया हमारा। ऊपर से हमारी बहन, दिमाग खा गई हमारा कि हमने चंपा को मारा है, मानने को तैयार ही नहीं है वो। विजय जरा पता लगाओ कि ये सच बोल रही है झूठ। क्यों झूठ बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे झूठ, सच बोल रहे हैं हम, सच। अगर काकुल सच बोल रही है कि उसने चंपा को नहीं मारा, तो फिर ऐसा कौन है जिसके पास चंपा को मारने का मोटिव हो? सर काकुल के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वो सच ही बोल रही है, क्योंकि उसके मोबाइल लोकेशन में साफ दिख रहा है कि वो शाम को 7 बजे हॉस्पिटल से पानी की टंकी के लिए निकली जरूर थी, और 7:15 से 8 बजे तक वो वहीं पर ही थी, उसके बाद में हॉस्पिटल आ गई थी। और सर वो क्राइम स्पॉट के पास में भी नहीं गई जहां पर हमको चंपा की लाश मिली थी। और तभी हमें एक बड़ी लीड मिली। छपरा से 50 किलोमीटर दूर किसी केमिस्ट ने एक आदमी को बड़ी मात्रा में एसिड बेचा था, वो भी गीता के एसिड अटैक से एक दिन पहले। इतनी खबर मिलते ही हमने उस आदमी को उठा लिया। मातो, यही है ना वो जिसे तुमने एसिड बेचा था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। वो लड़का तो बहुत कम उम्र का था, लगभग 20-20 के आसपास उसकी उम्र होगी। अच्छा, तुमने कहा था कि उस लड़के ने अगले दिन तुम्हें फोन किया था। जी, तुम्हारे फोन में उसका नंबर होगा, विजय को नोट कराओ। जी विजय, इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालो। जी सर। सर केमिस्ट ने एसिड खरीदने वाले जिस लड़के का नंबर दिया था, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। सर केमिस्ट ने जो नंबर दिया था उसका कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन आने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये पता चल गया है कि वो नंबर ललन यादव नाम के कुख्यात अपराधी का है, और सर उसका एड्रेस भी पता चल गया है सर। विजय, जब तक CDR रिपोर्ट नहीं आती ना, तब तक इस ललन यादव को घर पे जाके चेक करो, मिलता है कि नहीं। ललन घर पे नहीं है साहब, हम उनकी पत्नी है, हमको बताइए ना क्या बात है। अच्छा, ललन घर से कब गया था? 10-12 दिन हो गए साहब, एक फोन भी नहीं आया, हम तो खुद ही परेशान हैं। ठीक है, ललन का जैसे ही कोई फोन आता है, कुछ भी खबर मिलती है तो हमको बताइएगा। सर ललन अपने घर पर नहीं मिला है, लेकिन हमने अपना एक कांस्टेबल 24 घंटे सिविल में नजर रखने के लिए तैनात कर दिया है, शायद अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए आए और फिर हमारे हाथ लग जाए। ये ललन अपने घर जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके कॉल डिटेल्स आ गए, ये देखो। इस ललन यादव का फोन गीता के एसिड अटैक से अगले दिन से, यानी कि 17 तारीख से ही बंद था, तो चंपा से कभी भी बात नहीं की थी। और एसिड अटैक के 2 दिन पहले से जिस नंबर से ललन की सबसे ज्यादा बात हुई है, वह गीता यादव का। क्या सर, गीता अपने ऊपर एसिड अटैक क्यों करवाएगी? तो मनोज अब तक हमसे झूठ बोल रहा था।
कि चंपा ने उसे एसिड अटैक की सुपारी दी थी। अब कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा ही लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम केमिस्ट को मनोज से मिलवाने लेकर गए थे तो मनोज की हालत क्यों खराब हो गई थी। सच बोल। सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं साहब। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है तो हम तेरी मदद करते हैं, दोबारा पूछते हैं। गीता पर एसिड अटैक तूने किया था? हाँ सर। कितने बजे? 9:15 बजे। नहीं 9 बजे या 9:15 बजे? 9:15 बजे साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने स्टेटमेंट में 9 बजे का टाइम लिखवाया। ठीक है इतना चला लेते हैं, 15 मिनट चलता है ना। तो वो एसिड तू कहाँ से लेकर आया था? बताया तो था आपको कि जिस कंपनी में काम करता था वहीं से लेकर आया था साहब। फैक्ट्री का नाम बोल। प्रीमियर केमिकल साहब। प्रीमियर केमिकल, राजीव पासवान की फैक्ट्री है ना वो? मेरे को कैसे मालूम साहब, मजदूर आदमी हूँ साहब, मालिक हम लोगों से मिलता थोड़ी है साहब। फैक्ट्री मालिक से मैंने बात की और उसने हमसे कहा है कि उसकी फैक्ट्री में एसिड का कोई काम नहीं है। नीची रख, अब सच बोल वरना। साहब किसके कहने पर झूठ बोल रहा है? बता रहे साहब, बता रहे। अब कैसी तबीयत है बेटा? पहले से ठीक है, अब दर्द भी कम है। ये फोन तुम्हारा है? हाँ। ये फोन सिर्फ तुम इस्तेमाल करती हो या कोई और भी इस्तेमाल करता है? काकू जीजी का जब फोन खराब हो जाता है तब वो हमारा फोन इस्तेमाल करती हैं हमेशा। तुम्हारे ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था उससे एक दो दिन पहले उनका फोन खराब हुआ था, मतलब उन्होंने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया था। सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी थी ना ये जानने की कि गीता पर एसिड अटैक किसने करवाया? पूछोगी नहीं कौन था वो? किसने कराया पर हमला? चंपा ने ना? नहीं, चंपा ने नहीं, तुम्हारी सगी बहन काकुल ने, उसने तुम पर एसिड अटैक करवाया मनोज महतो नाम के आदमी को सुपारी देकर। हम ही जानबूझकर पकड़वाए थे मनोज को, फंसाना चाहते थे चंपा को हम। कुछ महीना जेल में काटने के लिए ना मनोज को अच्छा खासा रकम दे रहे थे हम। हमको लगा था कि मनोज बोलेगा और आप जाके पकड़ लीजिएगा चंपा को, लेकिन साली पहले ही मर गई। सारे किए कड़ाई पर पानी फिर के रख दिया बस। ये मनोज और लल्लन दो लोग क्यों? मनोज अपराधी प्रवृत्ति का नहीं था, हमको पता था कि वो नहीं करेगा, और लल्लन जेल जाने को तैयार नहीं था। तो हम मनोज को मनाए चंपा को फंसाने के लिए और लल्लन को गीता पर एसिड फेंकने के लिए। वो जो प्रिंसिपल वाला लेटर था ना वो भी हम ही लेके आए थे, और गीता के फोन से लगातार बात कर रहे थे उससे। उस दिन भी हमने ही कॉल किया था एसिड फेंकने के लिए। अपनी सगी बहन को तुमने एसिड फेंकवाया, उसका ये हाल किया सिर्फ चंपा से बदला लेने के लिए? असल कारण ना चंपा को जेल भेजना नहीं था, संजय को बाहर निकालना था। हम सोचे थे कि चंपा को गीता के एसिड वाले केस में फंसाएंगे और फिर उसके साथ एक सौदा करेंगे। तुमको करना का है कि जो कोर्ट में जज साहब के सामने ये बोलना है कि तुम हमसे बदला लेने के लिए संजय को बलात्कार वाला केस में फंसाई हो, ठीक है? और उसके बदला में फिर हम सोचेंगे कि गीता वाला जो केस है ना हम वापस ले लें, तो क्या कहती हो? ठीक है, हम मिलके बात करते हैं। हाँ अभी अभी मिलते हैं, वो पुराना पानी का जो टंकी है वहाँ पे। ठीक है। संजय झा ने वाकई चंपा का रेप किया था? हमारे कहने पे किया था वो, हम ही करवाए थे। मानसिक रूप से ना उसको एकदम तोड़ना चाहते थे हम, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे ताकि दोबारा हमारे सामने खड़े होने की ना उसकी हिम्मत नहीं हो। लेकिन हुआ क्या? हमने सोचा था कि पुलिस के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो गई और संजय को जेल हो गया। हमको तो छुड़वाना था ना, हमारी वजह से गया था वो जेल। उसको तो बाहर निकाल नहीं पाई,
अब खुद अंदर जा रही संजय और अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब जेल में बैठ के लड़ना चुनाव लेके जाओ इसे। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, ललन को अरेस्ट कर लिया और उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि काकुल ने ही गीता पर एसिड अटैक की सुपारी दी थी। वेरी गुड। एसिड अटैक का केस तो सॉल्व हो गया लेकिन मर्डर केस सॉल्व होना अभी बाकी था, तभी हमें एक बड़ी लीड मिली। जिस कट्टे से चंपा को गोली मारी गई थी उसके सप्लायर को हमने ढूंढ लिया था, जिसने हिस्ट्री शीटर भोला पांडे का नाम हमें बताया था। चंपा को मारने का सुपारी हमको मिला था। भाई, तू जिंदा है? अरे तो क्या हुआ, जिंदा दफनान देते हैं इसको। ठीक है भाई, डाल मिट्टी। चंपा की गन और उसका फोन कहाँ है? उसका गन तो हम सर बेच दिए, फोन हम नदी में फेंक दिए सर। सुपारी किसने दी थी? सुपारी हमको कृष्णचंद झा। कौन किशनचंद झा? सर किशनचंद झा तो संजय झा का बाप है, वही है ना? रुक 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 रुक। सर बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो? साहब बस लिफ्ट चाहिए। अरे तो पूछना क्या है, बैठिए हम छोड़ देते हैं। सर साहब चंपा ना झूठ बोल के हमारे बेटे को फंसाई थी। ये शैतान हमारे संग जोर जबरदस्ती किया है। हम बहुत कोशिश की, बहुत विनती की उससे, मगर केस वापस नहीं ली वो। दो दिन बाद कोर्ट में पेशी होने वाली थी। साहब बताओ हम क्या करते? हम सोचे कि केस को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं, ना चंपा रहेगी तो मुकदमा कैसे होगा, और कोर्ट को मजबूरी में हमारे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। बस उसी दिन हम भोला को सुपारी दे दी। साहब वो हमेशा अपने लोगों से घिरी रहती थी, तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो वो 21 तारीख को अकेले पानी की टंकी के पास जा रही थी, तो हम नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि वो पानी की टंकी के पास अकेली जा रही है? काकुल बोली थी साहब। साहब काकुल और संजय का ब्याह जरूर ना हुआ हो लेकिन हम उसको पतोहू मानते थे, और वो लोग अक्सर फोन करके आपस में मिला जुला करते थे। वही बोली थी कि चंपा से सुलह करने जा रही, काकुल ने उसे अकेले बुलाया। हम समझ गए साहब कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम भी खूब उकसाए उसको, बोले कि सुलह कर लेनी चाहिए। तो भोला को बोले तो भोला गया और अकेले ने उसको घर का बोचा मार दिया। ये केस एसिड अटैक से शुरू होकर पहले रेप और फिर मर्डर तक गया। इस केस में ही शुरू से ही विक्टिम दिखाई देने वाली काकुल अपराधी निकली और अपराधी दिखाई देने वाली चंपा वो बुरी तरह जुर्म का शिकार हुई। इस केस में चंपा और गीता दोनों को ही जुर्म की दस्तक मिली थी, लेकिन चंपा ने इसे अनदेखा किया या फिर कम करके आंका, और गीता वो देखकर भी बच नहीं पाई। जैसे कि महाभारत में देखने को मिलता है कि दुर्योधन की एक नाजायज जिद इतने बड़े युद्ध का कारण बनी कि मानो पूरा युग समाप्त हो गया। इसी तरह से इन दोनों परिवारों की झूठी खानदानी परंपरा की वजह से काकुल, चंपा, गीता, संजय झा और उसके पिता का जीवन बर्बाद हो गया। जब भी खुद पर अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाई देने की होड़ हावी होती दिखाई दे, संभल जाएं। ये जुर्म की दस्तक हो सकती है, इसे अनदेखा ना करें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर आऊंगा एक नया केस लेकर, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक।
मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।